हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई विल एक्सप्लेन ब्लड प्लाज्मा। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। स्टूडेंट, ब्लड प्लाज्मा इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड की जो फ्लूइड पार्ट है, कहते हैं कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट, ब्लड को फ्लूइड बनाने का काम प्लाज्मा करता है। तो जब प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिक्स हो जाते हैं, तभी ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये लगभग 55% टोटल ब्लड का 55% पार्ट जो है प्लाज्मा की वजह से होता है। प्लाज्मा ब्लड में 55% प्रेजेंट होती है। इसका नेचर जो है स्लाइटली एल्केलाइन नेचर होता है, जिसकी पीएच 7.4 होती है। इसका जो कलर है स्टूडेंट, वो एक्स्ट्रा कलर्ड होता है या पेल येलो, हल्का पीले रंग का होता है ये। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, वो स्टूडेंट एक ट्रांसपेरेंट फ्लूड होता है ये, जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है। इसका जो वेट है, पर टोटल बॉडी का जो वेट अगर देखें, तो उसका 5% पार्ट जो है ब्लड प्लाज्मा की वजह से होता है। स्टूडेंट, इसका जो बलून अगर एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर देखा जाए, तो 3.5 लीटर, अगर किसी के अंदर मान लीजिए 5 से 6 लीटर ब्लड है, तो उसके अंदर 3.5 लीटर तो अकेले प्लाज्मा होगी। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस हियर कंपोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, नाउ आई विल डिस्कस हियर। वाटर इसमें 90 से 92% होता है। ब्लड प्रोटीन 7 to 8% होती है, जो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये लगभग 300 ग्राम प्रेजेंट होती है। मोर देन 70 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में। दीज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ये प्रोटीन जो है वो स्टूडेंट सिंथेसाइज की जाती हैं बॉडी के अंदर, और स्टूडेंट लगभग 70 से ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और स्टूडेंट, जैसे एक प्रोटीन है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ब्लड प्रोटीन का नेम जो है वो एल्बुमिन है। ये स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन का रोल है डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करना, या ऐसे कह सकते हैं ये प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाने में काम आती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन। स्टूडेंट, ये ब्लड क्लॉटिंग में जब कभी इंजरी हो जाए, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिससे ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये भी लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है, और ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। स्टूडेंट, नाउ थर्ड कंपोनेंट इन ब्लड, दैट इज साल्ट। साल्ट लगभग 0.9% ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और मेजर साल्ट जो है NaCl होता है, जो NaSCO3 से मोर होता है। NaCl का काम है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, और NaSCO3 का रोल है टू मेंटेन द pH। तो दीज आर द मेजर साल्ट। ना माइनर साल्ट इसमें जैसे कैल्शियम के साल्ट होंगे, चाहे फास्फेट हो, सल्फेट हो, या बाइकार्बोनेट, या फिर स्ट्रेट क्लोराइड हो, सॉरी आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड। तो ये जो है माइनर साल्ट है। इसके साथ भी मैग्नीशियम के कुछ साल्ट होते हैं,
जैसे मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम आयोडाइड, दीज आर द साल्ट प्रेजेंट इन द ब्लड। कुछ अदर सबस्टेंस भी होते हैं स्टूडेंट ब्लड प्लाज्मा में, जैसे न्यूट्रीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ये न्यूट्रीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे वाटर है, NH3 है, यूरिया है, ठीक है, क्रेटीन है, क्रेटिनिन है, ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। हार्मोन्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं स्टूडेंट, विटामिन्स भी होते हैं, तो ये रेगुलेटिंग सबस्टेंस है जो बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। डिजॉल्व गैसेस होती है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मोर अमाउंट में होती है इन कंपेरिजन ऑफ N2, N2 से ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, वो N2 से मोर ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। डिफेंस कंपाउंड जैसे एंटीबॉडीज, IG एंटीबॉडी होती है, इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, IG फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। और स्टूडेंट इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है और प्रोपरडिन भी होता है, ये कुछ डिफेंस कंपाउंड है जो ब्लड में मिक्स रहते हैं और हमेशा बॉडी को बहुत से और हार्मफुल जर्म से बचाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा का क्या रोल है बॉडी के अंदर? तो ब्लड प्लाज्मा स्टूडेंट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। फर्स्ट थिंग कि ये मटेरियल जो है, कुछ जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या यू कैन से दैट जैसे हार्मोन का ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट का ट्रांसपोर्ट है, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लाज्मा के थ्रू। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड pH, ब्लड की pH को मेंटेन रखने का काम ब्लड प्लाज्मा करती है, और बॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम भी ब्लड प्लाज्मा का है, और ये ब्लड क्लॉटिंग वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाती है। और स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी, और पूरी बॉडी के अंदर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी ब्लड प्लाज्मा करता है। स्ट्रेंथ दीज आर द मेन रोल ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। थैंक यू। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लाज्मा एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा।